राजस्थान में लंबे समय से सियासी मुद्दा बनी डायरी का जिन फिर से बाहर आया है। इस डायरी के चार पन्ने फिर बाहर आ गए हैं। राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि यह लाल डायरी उन्होंने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के घर से ली थी। लाल डायरी के इन पन्नों में मुख्यमंत्री के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत की अशोक गहलोत सरकार से नाराजगी का जिक्र करते हुए चुनाव में बुरी तरह हारने की बात लिखी है। ये डायरी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर ने लिखी है, जिसमें अलग अलग घटनाओं का जिक्र है। धर्मेंद्र राठौर डायरी के पन्नों में लिखते हैं, वैभव गहलोत जी का फोन आया, बोले कि पापा इसलिए वापस सरकार नहीं बना सकते हैं हर बार, इस बार भी मैं लिख कर दे सकता हूं, सरकार बुरी तरह हारेगी। इसका कारण वे स्वयं हैं। वे अधिकारियों से ऐसे घिर जाते हैं कि उन्हें राजनीतिक व्यक्ति बुरा लगने लग जाता है। डायरी के एक और पन्ने पर लिखा गया है कि अशोक गहलोत के बेटे की शिकायत है कि उनके कहने पर एक स्वीपर तक का ट्रांसफर नहीं होता। मेरे कहने पर सवाई माधोपुर में एक स्वीपर का भी ट्रांसफर नहीं किया, जिससे जिले के अधिकारियों में मेरा बहुत गलत मैसेज गया है। विधायक दानिश अबरार के सीएम साहब के भारी खिलाफ होते हुए भी उसके कहने पर मेरी बेइज्जती की। तब मैंने वैभव जी द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप सीएम साहब के ओएसडी शशिकांत को भेजकर कहा कि सीएम साहब को कहना वैभव जी बहुत नाराज हैं। विधायक के काम न होने और ब्यूरोक्रेसी के हावी होने का जिक्र भी इस डायरी में किया गया है। लाल डायरी के दूसरे पन्ने में टोडा भीम से कांग्रेस विधायक पीआर मीणा की खान चालू करवाने के उपाय ढूंढने की भी जानकारी दी गई है। धर्मेंद्र राठौर ने लिखा है, 1:30 बजे पीआर मीणा विधायक का फोन आया। कुंजी लाल मीणा आईएएस को फोन किया, परंतु उन्होंने कहा मैं यह नहीं कर सकता। फिर पीआर मीणा ने सीएम साहब से मिलने का समय मांगा। लाल डायरी में धर्मेंद्र राठौर ने इसका 3 से 4 पॉइंट में सिलसिलेवार जिक्र किया है। लाल डायरी के पन्नों में लिखा है, पीआर मीणा विधायक आए, इनको मैंने कहा कि कुंजी लाल मीणा प्रमुख सचिव आपकी खान मामले में निगेटिव हैं, सो मैंने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका को फोन कर बता दिया। सीएम साहब को एसएमएस कर दिया, इससे पहले मैंने कुंजी लाल मीणा आईएएस अरिंदम तोमर पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से फोन पर लंबी बात की। तोमर साहब का कहना था कि अगर कुंजी लाल मीणा चाहे तो खान चल सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरा उनका सुझाव था कि हम सेंचुरी की बाउंड्री आगे खिसकाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर मंजूर करवा सकते हैं। इसमें समय लगेगा, लेकिन स्थायी समाधान यही होगा और 40-50 खान मालिकों को इसका फायदा होगा। लाल डायरी के पन्नों में आगे लिखा है, यह सुनकर पीआर मीणा बोले कि अब तो आप सीएम से कहकर कुंजी लाल मीणा आईएएस को प्रमुख सचिव खान से हटाकर दूसरी जगह पोस्टिंग करो, तभी ब्यूरोक्रेसी में कड़ा संदेश जाएगा। पीआर मीणा की खान के मामले में लाल डायरी के पन्नों में आगे लिखा है, विधायक पीआर मीणा की खान चालू करवाने के लिए प्रमुख सचिव कुंजी लाल मीणा, खान निदेशक गौरव गोयल, शैलजा देवल, पीसीसीएफ अरिंदम तोमर से खूब लंबी बहस की। लगता है कि कुंजी लाल मीणा, गौरव गोयल दोनों डरे हुए हैं, या यूं कहिए इनका इरादा ठीक नहीं है। कुल मिलाकर बिना सीएम साहब के हस्तक्षेप के यह मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। डायरी में एक जगह पायलट समर्थक विधायक जीआर खटाणा की खान का भी जिक्र है। लाल डायरी के इस पन्ने में लिखा है, ऑफिस में 11:15 बजे पीआर मीणा आए, बोले मेरी जीआर खटाणा से उसकी पत्नी के सामने खुलकर बात हो गई है। खटाणा का फॉरेस्ट डायवर्जन खान का मामला है, आप इसे 1-2 दिन में सीएम साहब से बात करके कर दो तो वह 15 तारीख को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देगा या कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में घोषित कर देगा। मैंने कहा है मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ। 9 नवंबर को उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान में पहली सभा की थी। इस सभा में उन्होंने कहा था, राजस्थान में छोटी मछली ही पकड़ी जाती है, बड़ी मछली नहीं। हम छोटी बड़ी मछली के साथ जनता को लूटने वाले मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर रहेगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।